हेलो फ्रेंड्स, सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मैं आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी जो कोकण और जो रायगढ़ की जो एकदम ख़राब परिस्थिति आई है, जो बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा चिपलोन में बहुत ख़राब कंडीशन हुई है। अभी माहड़ में भी आया था, माहड़ में भी बहुत ज़्यादा ख़राबी हुई है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिए उनके लिए, और उनके लिए जो मदद की ज़रूरत है, उनको पैसे, खाना पानी जो भी है, तो प्लीज़ आप लोगों की मदद कीजिए। बहुत बड़े तकलीफ़ में थे उन लोग। प्लीज़ उनकी महार की जो वीडियो मेरे को मिली है, वो मैं आपको डाल दूँ, आप देख लेना वीडियो वगैरह। और मैं आज साथ में एक आपको एक लीज बताया, मतलब एक पेपर बनाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है फोर्ट के लिए और फंड के लिए, उसमें लिखा हुआ है किसे ना कितना देना है। तो मैं आपको देखता हूँ, आप देख लेना। उस पर एक बारकोड दिया, बारकोड स्कैन करके उनको पैसा भेजना चाहते हैं तो आप भेज दो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ आप जितनी हेल्प कर सके उतनी करो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप लोगों से जितना भी मदद हो सके, जितना भी, भले से 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये, आपसे जितना भी हो सके उतना आप ट्रांसफ़र कीजिए उनको। प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। महानगर परिषदेतर्फे सर्व नागरिकांना कळवण्यात येत आहे की पुराचे पाणी शहरात आल्यामुळे नागरिकांनी पुराच्या पाण्यात जाण्याचे टाळावे। तसेच सावित्री कुंज किंवा रायगड रोड येथे पुराचे पाणी भरण्यासाठी नागरिकांनी जाऊ नये। शहरात पुराच्या पाण्याची पातळी वाढल्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहून महत्वाच्या कामाविषयीच्या घराबाहेर पडू नये। विषय गंभीर आहे जरा, देवक नाही भाऊ ना जोडलेले डोला अडकले हो उपाशी बाहेर जाऊन जाऊन तू असा चालत जाईल तुम्ही जायचं जावा।